हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पालक लगा के दिखाने वाला हूँ। पालक और धनिया दोनों का बीज मैं आज डालने वाला हूँ, तो इसी एक ही वीडियो में मैं दोनों का पूरा प्रोसेस दिखा देने वाला हूँ। तो किस तरीके से आप पालक और धनिया ऐसे उगाएं कि लगभग 4-5 दिन के अंदर अंदर ही आपका बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, बहुत ही आसानी से, इजी प्रोसेस में, और बहुत ही जल्द से जल्द आपका कैसे जर्मिनेट होगा, उसी का पूरा टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो में जो कोई भी नए आए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अभी विंटर सीजन आ चुका है, तो दोस्तों मैं अभी जितने भी छत के ऊपर वेजिटेबल्स, फ्लावर प्लांट जितने भी लगाऊंगा, मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ, एक एक वाइज पूरा ए टू जेड, सारे फ्लावर प्लांट्स कैसे लगाता हूँ, कैसे सॉइल मीडिया और कैसे ग्रो करने से बहुत ही अच्छे से आपको फ्लावर और बहुत शानदार तरीके से वेजिटेबल मिल सकता है छत के ऊपर, सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए हैं। तो दोस्तों ये देख पे होंगे पालक और धनिया जो हम लगाने वाले हैं, इसको ज़्यादा गहराई वाला पॉट नहीं चाहिए। लगभग 3 से 4 इंच तक अगर आपका पॉट में गहराई होगा तो उसमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर तरीके से मार्केट जैसे आप धनिया और पालक ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए मैं जो कार्टून जो मैं थर्मोकोल यूज़ करता हूँ उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया हूँ, तो हमको अच्छे दो भाग में हम लगा सकेंगे। तो देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारा पहले आपको जो कोई भी मिट्टी लेते हैं, क्योंकि अभी बारिश सीजन लगभग ख़त्म हुआ है तो मिट्टी में थोड़ा फंगस वगैरह होंगे, तो जो कोई भी अभी मिट्टी लगा रहे हैं अभी विंटर सीजन के लिए, तो पहले मिट्टी को अच्छे तरीके से एक या दो धूप दे दीजिए, जिसके वजह से उसमें जो भी फंगस वगैरह होंगे, हार्मफुल फंगस, वो मर जाएंगे, तो आपका पौधा बहुत ही आसानी से और अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं मिट्टी को पूरा 2 दिन हो गया हल्का करके ऐसे खुरपा के रख दिया था, जो इसके वजह से पूरा हल्का हो गया है मिट्टी। आपके अगर मिट्टी थोड़ा हड्डी है, जिसमें धनिया और पालक खास करके बहुत ही हल्का मिट्टी चाहिए होता है, जितना आपका मिट्टी हल्का होगा पौधा उतना ही अच्छे से ग्रो होगा, तो आप बालू या कोकोपीट मिला सकते हैं, वो दोनों बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। तो दोस्तों, मेरा मिट्टी बहुत ही हल्का है, तो देख पा रहे होंगे मैं मिट्टी को खुरपी के सहायता से अच्छे से हल्का करके धूप दे दिया हूँ। देख पा रहे होंगे पूरा मिट्टी हमारा रेडी हो चुका है, अभी मैं इसमें खाद वगैरह का ट्रीटमेंट करूँगा। ये देख पा रहे होंगे ये हमारा काउडंग कंपोस्ट है। आपको जब भी काउडंग कंपोस्ट अभी अगर यूज़ कर रहे हैं, काउडंग कंपोस्ट एक ऐसा कंपोस्ट होता है जिसमें सारे आपका जितने पौधे को आवश्यक होता है न्यूट्रिएंट्स सारे उपलब्ध होता है, तो इसको ज़रूर यूज़ करिए अपने ऑर्गेनिक गार्डन में, खास करके वेजिटेबल के जब पौधे लगा रहे होंगे। ये देख पा रहे होंगे मेरा काउडंग कंपोस्ट, और काउडंग कंपोस्ट आपको पूरा सूखा हुआ डिकम्पोस्ट 1 साल पुराना ही यूज़ करना है दोस्तों, जैसे कि पौधे को कोई हार्मफुल ना पहुंचे। मेरा पूरा पुराना 1 साल पुराना और पूरा सूखा हुआ काउडंग कंपोस्ट है, ये बहुत ही आपको पौधे के ग्रोथ के लिए, देख पा रहे होंगे मैं काउडंग कंपोस्ट ले गया हूँ। उसके बाद मैं वर्मी कंपोस्ट यूज करने वाला हूँ, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट का, ये देख पा रहे होंगे वर्मी कंपोस्ट भी पूरा मेरा सूखा हुआ। आप चाहेंगे तो इसमें लीफ कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ मैं यूज़ करता हूँ हर मेरा वेजिटेबल, केमिकल सिर्फ मैं फ्लावर के पौधे में ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये हम घर में खाने वाले हैं तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, इसको अच्छे से आपको मिलाना है।
मैं मिला देता हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं पूरा जो भर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट डाला हुआ था, मैं मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला दिया हूँ। देख पा रहे होंगे इसको पूरा अच्छे से मिला के अभी मैं बीज इसके ऊपर डालने वाला हूँ डायरेक्ट। आप चाहेंगे तो मेरा और एक दूसरा भी प्रोसेस है जिसमें उसमें भी बहुत जल्द से जल्द हो जाता है जर्मिनेट। इसमें भी लगभग हो जाता है, 4-5 दिन में ही पौधे ग्रोथ हो जाते हैं। तो चाहेंगे तो मैं दूसरा एक प्रोसेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसको आप देख सकते हैं चाहेंगे तो। देख पा रहे होंगे दोस्तों ये मैं 10 रुपये के मेरे को बीज लाया हूँ, क्योंकि इतना बीज सफिशेंट है छत के ऊपर के लिए। जब भी आप बीज लाते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी का और नया इसी साल का ही बीज लीजिए, क्योंकि जर्मिनेशन में भी बहुत ही अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, बहुत ही अच्छा आपका पौधा भी ग्रोथ होगा। तो बीज एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें उसके बाद ही पौधे ग्रोथ अच्छे से होते हैं। देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैं बीज डाल रहा हूँ। इसे बीज आपको चारों तरफ कुछ मात्रा में डाल देना है। ये मेरा एक पैकेट पूरा 2 कार्टून में लगेगा, तो इसलिए मैं 1 कार्टून में आधा डाल रहा हूँ और दूसरा कार्टून में आधा डालूँगा। उसके बाद बीज डालने के बाद आपको ऊपर से 1 इंच का एक तो मिट्टी का लेयर बनाना है। जो सॉइल मीडिया आप प्रस्तुत किए थे उसी सॉइल मीडिया को ऊपर के बीज के ऊपर ऊपर आपको 1 इंच के लेयर आपको करना है। देख पा रहे होंगे मैं कैसे डाल रहा हूँ। उसके बाद अच्छे से आपको देखिए ऐसे करके चारों तरफ आपको डाल देना है। उसके बाद आपको मिट्टी डालने के बाद अच्छे से पानी का सावरिंग करना है, जैसे आपका पूरा मिट्टी आपका भीगना चाहिए, जैसे ओवर वाटर नीचे से चलाए। उसके 3-4 दिन के बाद मैं आपको अपडेट दूंगा ज़रूर। ये दोस्तों देख पा रहे होंगे ये हमारा पूरा जो कार्टून पालक का है, मैं आपको 4 दिन के बाद का आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये 4 दिन के बाद का आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से हमारे लगभग इसमें जितने बीज डाले गए थे लगभग 90% के आसपास बीज अपने बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों जर्मिनेट हो चुका है। देख पा रहे होंगे सारे पौधे में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये 1 कार्टून और दूसरा कार्टून में थोड़ा कम मात्रा में हुआ है, बड़ जर्मिनेशन चालू हो गए हैं। देख पा रहे होंगे मैं जैसे प्रोसेस में लगाए हुआ हूँ कितने आसानी से 3-4 दिन के अंदर अंदर ही आपका पौधे सारे जर्मिनेशन हो रहे हैं, 100% सक्सेसफुल। ये एक प्रोसेस देख पा रहे होंगे, प्रोसेस में इसी प्रोसेस में लगाइए और बीज भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये देख पा रहे होंगे सारे बीज देख पा रहे होंगे। आपको कंटिन्यूसली इसमें आपको नमी बनाए रखना है। इसमें देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ जो पौधे में किस तरीके के मॉइस्चर बना हुआ है, इस तरीके के आपको मॉइस्चर बना रहना है सारे पौधे में कंटिन्यूसली, ज़्यादा पानी नहीं, पूरा मॉइस्चर जैसे बना रहना है। आपको इसी तरीके से लगाएंगे तो पूरा प्रोसेस इस तरीके से 3-4 दिन के अंदर अंदर ही आपका जर्मिनेशन हो जाएगा पौधा। अभी कुछ भी फर्टिलाइजर जितना मैं मिट्टी प्रिपेयर किया हूँ उतना ही काफ़ी है एक हार्वेस्टिंग के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।